हाँ भाई, ये है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 2021 का मॉडल मैंने लिया था। इसका प्रॉब्लम ये है जो मुझे नज़र आता है, इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और इसके फ्यूल इंजेक्टर्स ठीक नहीं है। अब आप देखें, ये 2 दिन गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती है तो फिर ये गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है। मैं ये बैटरी को हमेशा ये चार्जर लगा कर रखता हूँ ताकि यहाँ पे कभी सर्दियों में बैटरी डेड हो जाती है, ज़्यादा नहीं चलाते। लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, कभी स्टार्ट होती है कभी चलती है अच्छी तरह से, लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि इसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर्स है वो कुछ ख़ास क्वालिटी के नहीं हैं। रॉयल एनफील्ड ने मॉडल बड़ा अच्छा बनाया लेकिन क्वालिटी वाइज घटिया है, और मैंने तो हार्ली बेचकर ये लिया था। अब आप देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी देर चलती है फिर खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, और ये कई दफ़ा रोड पर हुआ है मुझसे कि गाड़ी ऑल ऑफ ए सडन चलते चलते गाड़ी कट ऑफ हो जाता है, इंजन कट ऑफ हो जाता है। इससे बड़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों होता है इस गाड़ी में, किसी गाड़ी में फेस नहीं किया मैं आज तक। अब देखिए, ये अभी तो गर्मी अच्छी खासी है, अब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट तो होती है, देख रहे आपने आवाज़ आ रही है। अब आप इसको, ये जो चोक लीवर है ना, एनरिचर, इसको दबा कर रखें। मैं भी बताता हूँ, ये दबाने के बाद तो एक हाथ से तो हो नहीं सक रहा। अब ठीक है, ये हाँ गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, मैंने चोक लीवर दबाया था। देखिए खुद ब खुद ऑफ हो गई है, फिर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आवाज़ इसकी, बिल्कुल आहिस्ता से आवाज़ आ रही है इंजन की, और ये कट ऑफ हो जाएगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी को चलाने के लिए, रोड पे मुझे डर लगता है कि कभी भी ये कट ऑफ हो जाती है चलते चलते, और सर्दियों में तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि सर्दियों में तो बैटरी इसकी पावरफुल है ही नहीं। दिस इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम एक मोटरसाइकिल में मैंने देखा कि जो चलते चलते गाड़ी कट ऑफ हो जाए इंजन, और ये एक्सीडेंट्स के बड़े चांसेस होते हैं उसमें। और यहाँ की फास्ट ट्रैफिक जो आती है पीछे से कार वगैरह, ये लोग थोड़ी इज्जत दे देते हैं आपको, वरना आप तबाह हो जाओगे। तो सोचता हूँ ये गाड़ी रखूँ या इस गाड़ी को बेच कर कोई जैपनीज गाड़ी लूँ। ये देखें, गाड़ी लेकर 1 साल भी नहीं हुआ लेकिन इसका रबर सारा टूट रहा है, ये देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए रबर की कितनी घटिया क्वालिटी है।